स्वराज एक्सप्रेस में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आशीष जी, जिस धन्यवाद। तरह से अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश की बात करें या देश की अगर बात करें, तो अभी जो चौथी वेव की जिसका जिक्र हम लोग कर भी रहे हैं, क्या ये जो वेरिएंट जो थर्ड वेव और सेकेंड वेव में कुछ था, क्या वही वेरिएंट है या कुछ नया वेरिएंट निकल कर आया? देखिए, क्योंकि कोरोना वायरस आरएनए वायरस होता है और उसमें टेंडेंसी होती है म्यूटेशन की, तो कोई भी वायरस हो, जो कि आरएनए वायरस होता है, वो बहुत सेल्फ म्यूटेट होता है और सडन म्यूटेट होता है, और सरप्राइजिंगली ये हमेशा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, और एंटीबायोटिक या एंटी जो हम मेजर्स लेते हैं, चाहे वैक्सीन की बात करें चाहे कोई भी मेजर्स हम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली म्यूटेट होते हैं। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा हम लोगों के लिए कि अगर कोई भी वायरस होता है उसको हम पूरी तरह से, आरएनए अगर वायरस होता है पूरी तरह से हम उसको इरेडिकेट नहीं कर पाते हैं, खासतौर से अगर हम रेस्पिरेटरी वायरस की बात करें, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ओरोफेरिंजियल रूट से फैलता है और एरोसॉल फॉर्म में होता है। ऐसी जगह जहां पर एरोसॉल फॉर्म इजीली हो सकता है ट्रांसमिट एक पर्सन से दूसरे पर्सन, लाइक ओवर क्राउडेड प्लेस लाइक इंडिया, तो उस कंडीशन में हम बड़ा हेल्पलेस होते हैं इसको रोक पाने में। जितना भी प्रिकॉशंस थे, ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव के एक या दो महीने तक हम लोग फॉलो करते रहे, स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहे, उसके बाद सभी ने इंस्ट्रक्शन जो है टू द फॉलो नहीं किया और जो प्रिकॉशंस थे वो भी कम हुए, तो ये वायरस को और मौका मिल गया, टाइम मिल गया 7 to 8 months को म्यूटेट होने के लिए। अभी जो वायरस का म्यूटेट आया है, जो अभी इंटेंसिटी कम है लेकिन सीबीआरटी कई जगह ज्यादा दिख रही है, डेथ रेट थोड़े बड़े हैं इंडिया में, देखें कल के आंकड़े हम जैसे बताएं तो मोर देन 44% 46 लोग जो है डेथ हुई है जिनकी, तो ये जो डेथ रेट है देखने में कम है लेकिन अलार्मिंग साइन है कि ये कहीं म्यूटेशन ऐसा ना हो कि वैक्सीन के भी अलग अपना एक रूप लेकर पैदा हुआ हो या म्यूटेट हुआ हो, जिसमें हम अभी थोड़ा सा और हमको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है जैन साहब, जिस तरह से ये जो म्यूटेट है आप बता रहे हैं, इसमें वैक्सीनेशन कितनी कारगर है? थर्ड डोज लेना बहुत नेसेसरी है बुजुर्गों के लिए, तो नेसेसरी है क्या? हम जैसे युवा जो 27-28 या फिर 32-34 के हैं, क्या इनके लिए भी उतना ही जरूरी है? वैक्सीन हर उम्र के लिए जरूरी होता है, चाहे हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप की बात करें, चाहे हम एडल्ट की बात करें, चाहे हम एल्डरली जेरियाट्रिक पेशेंट की बात करें, वैक्सीनेशन ऑलवेज मस्ट एंड रिक्वायर्ड। तो उस कंडीशन में अगर 3 months से अबव अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है या आपने वैक्सीन लिया है, तो उसका जो हम स्पाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन जो होते हैं बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए, उनका काउंट्स कम होना शुरू हो जाता है, तो बेटर है कि हम उसको टाइम टाइम पे चेक करते रहे लेबोरेटरीज में जाकर कि अभी हमारा ये न्यूक्लिक एसिड और स्पाइक प्रोटीन्स का क्या रेशियो चल रहा है, तो उसमें हम बता सकते हैं कि अभी आप कितने इम्यून है। तो अभी सेल्फ एग्जामिन या सेल्फ असेसमेंट हम केवल स्पाइक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से कर सकते हैं, जो कि कई लैब्स में अवेलेबल है, जो आपकी इम्यूनिटी शो करते हैं कि आपको वास्तव में वैक्सीनेशन की जरूरत है या फिर आपका जो टाइटर है वो इतना है कि आप उससे बच सकते हैं या फिर आपकी डिसीज की सीवियरिटी ज्यादा। एक सवाल मेरे सहयोगी का भी है, अतुल जी। देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार हम ये कह रहे थे कि म्यूटेंट होगा और कहीं ना कहीं इस बार का जो वेरिएंट है वो अभी से डरा रहा है, मुख्य रूप से हमने देखा था कि पहले जिस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल के नियमों की बात तो की गई थी कि जो नियम है वो सरकार की तरफ से जो है सामने बताए जा रहे हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट होने के नाते सर हमारे दर्शकों से आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके की और भी अब सुरक्षा बढ़ाने का समय आ चुका है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक से अलग ले जाता हूँ। अभी हम दो तरह के वायरस को फेस कर रहे हैं, एक तो कोरोना वायरस है, दूसरा है मंकी वायरस है ना, मंकी फॉक्स वायरस, इसके हम बारे में बात कर रहे हैं। दोनों प्रिकॉशन सेम है, दोनों ओरोफेरिंजियल रूट से फैल रहे हैं, बस ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कंडीशन से मंकी फॉक्स वायरस कई केसेस में देखा गया है, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं, तो मतलब ये जो हम देख रहे हैं ओरोफेरिंजियल रूट से फैल रहे हैं। प्रिकॉशन दोनों में सेम है कि आप ओपन प्लेसेस में, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाए, आप प्रिकॉशन जो कोरोना में रख रहे थे प्रीवियसली, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, आप कोशिश करें कि आप सैनिटाइजेशन या अपने हैंड वॉश प्रॉपर करते रहें, आप कोई भी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे या फिर ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो आपको उस समय अपनी प्रोटेक्शन को दुगनी और तीन गुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं जानते वो वेरियंट कौन सा है, किस कौन लेकर कैरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रिकॉशंस थे
वही है, लेकिन हाँ हम चूंकि इम्यूनिटी हम लोग बूस्टर से ले चुके हैं, कई लोगों ने लिए हैं कई लोगों ने नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ कई 90% पॉपुलेशन में फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेज ले चुके हैं। तो अगर हम ये मान के चले कि हमको कुछ नहीं हो सकता तो ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि अभी जो कुछ पेशेंट्स हमने देखे हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं या फिर कोई मैकेनिकल सपोर्ट पर है, तो उनको मैं देख रहा हूँ उन्होंने दोनों वैक्सीन ले रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ले रखा है, और उनको अनफॉर्चुनेटली थर्ड वेव में भी एक अटैक आ चुका है, लेकिन फिर भी सीवियरिटी उनकी अभी बहुत बहुत ज्यादा थी और दे आर ऑन मैकेनिकल सपोर्ट। तो हम अभी कह पाना कि हम इससे बच गए हैं या फिर हम बिना प्रिकॉशन के भी हम सेफ हैं, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ प्रिकॉशन बस ये है कि जो कोविड के टाइम हम ले रहे थे, जो हम कहीं भूल चुके हैं, वो हमको फिर से मेमोराइज करना है, फिर से शुरुआत करनी है। जितना हो सकता है आप सैनिटाइज अपने आप को रखें, जितना हो सकता है आप भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें, कोशिश करें कि आप फिर से मास्क का प्रयोग करना शुरू करें। अदरवाइज ये जो कंडीशन है अलार्मिंग कंडीशन है, और ये अगर म्यूटेशन है जिसके बारे में अभी हम पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं किस तरह से म्यूटेट हो रहा है और किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंटेशन वही है अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, लेकिन जो लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है या निमोनिया कंसोलिडेशन जो अभी जो हमको मिल रहा है वो एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर्स के साथ मिल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डिफरेंट तरह से प्रेजेंट हो रहा है। तो इसके लिए हमको अभी कुछ समय लगेगा कि ये वेरिएंट कौन सा है, मिक्स्ड वेरिएंट तो नहीं है, पहले हम BA1 BA2 समझ रहे थे, अभी किसी ने बोला BA7 भी आएगा, तो वो कौन कौन से वेरिएंट हैं जो कि अभी मिक्स्ड वेरिएंट हैं, तो ये अभी रिसर्च का टॉपिक है, और इसके लिए हम जो स्टडी होती है जीनोटाइपिक स्टडीज है उसमें शुरुआत कर दी है, देखते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।